जब चारों तरफ से मिली हार तो सोना बांटकर जीतेगी कांग्रेस। कहां से आया कांग्रेस के पास इतना पैसा? क्यों खामोश है ईडी? राहुल गांधी की पार्टी तेलंगाना का हाल श्रीलंका जैसा क्यों करने पर उतारू है? जब काम से नहीं जीत पाए दिल तो रेवड़ी बांटकर खरीदेंगे पब्लिक के वोट। देश पर 200 लाख करोड़ का कर्जा, लेकिन सोना बांटकर युवराज चलाएंगे सत्ता। तेलंगाना भी डूबा करोड़ों के कर्जे में, फिर भी चुनाव जीतने का नया हथकंडा। देश पर लाखों करोड़ रुपए का कर्ज है, खुद तेलंगाना पर लाखों करोड़ों का कर्ज है। खुद सोनिया गांधी 10 जनपद का किराया तक नहीं दे पाती है, लेकिन राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी तेलंगाना को श्रीलंका बनाने पर तुले हुए। एक तरफ चुनाव में रेवड़ियां बांटने की जितनी आलोचना हो रही है, उतना ही इसका चलन बढ़ता जा रहा है, और अब की बार बढ़ा है कांग्रेस पार्टी ने। अब तो ऐसा लग रहा है कि रेवड़ियों से काम बनता ना देख कांग्रेस रिश्वत देने पर आ गई है, और ये रिश्वत पैसों में नहीं बल्कि सोने के तौर पर दी जा रही है। जी हाँ, आप हैरान ना होइए, चुनाव में लोक लुभावन वादे तो आपने बहुत सुने होंगे, पर यकीन मानिए ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि कोई पार्टी लड़कियों को सोना देने का वादा कर रही हो। कांग्रेस अब चुनाव जीतने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। तमाम राज्यों में तमाम पार्टियां अपने अपने वोटरों को रिझाने के लिए साइकिल, मोबाइल, लैपटॉप से लेकर तरह तरह की चीजें बांटने का ऐलान करती हैं। दूसरी तरफ ये बात कही जाती है कि ऐसे ऐलान राज्य की अर्थव्यवस्था को खस्ताहाल छोड़ देंगे। कई राज्य अब भी कर्ज में डूबे हुए हैं, यहाँ तक कि देश 200 लाख करोड़ के कर्जे में। चुनाव में लोक लुभावन घोषणाओं का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है, लेकिन इसके बावजूद वादों की झड़ी लगी हुई है। खासकर जब से महिला वोटरों की अहमियत पहचानी गई, तब से महिला वोटर के लिए विशेष ऐलान किए जा रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले, कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। तेलंगाना में कांग्रेस ने तो हद पार कर दी। तेलंगाना में अब मोबाइल, लैपटॉप, साइकिल नहीं बल्कि सोना बांटने पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है, ऐसे में कांग्रेस महिलाओं को लेकर कई सारे लोक लुभावन वायदे कर रही है। तेलंगाना चुनाव की बात करें तो कांग्रेस अपने चुनावी मैनिफेस्टो में लड़कियों की शादी में 1 तोला यानी 10 ग्राम सोना देने का ऐलान कर सकती है। छात्रों को फ्री इंटरनेट देने का वायदा किया जा सकता है। ये बात कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र कमेटी के प्रमुख डॉक्टर श्रीधर बाबू ने कही है। हालांकि इस प्रस्ताव पर पार्टी नेतृत्व का मुहर लगना बाकी है। इसके पहले महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने देने का वायदा किया जा चुका है। साथ ही महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा करने की बात भी कही गई। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही ऐसे वायदे कर रही है या वो सिर्फ तेलंगाना में ये वायदे कर रही है। तेलंगाना में ही सरकार का शादी मुबारक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें दुल्हन को 1 लाख रुपए दिए जाने की बात है। ये काफी लोकप्रिय कार्यक्रम है। इसके अलावा कर्नाटक में कांग्रेस महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा करवा रही है। तो फर्क बस ये है कि कैश की जगह सोना मिलेगा। फिर इससे जुड़े कई सवाल है। पहला सवाल तो यही है कि 10 ग्राम सोना देने की घोषणा को क्यों ना चुनावी रेवड़ी माना जाए या फिर इसे रिश्वत माना जाए। तो वहीं दूसरी बात यह है कि क्या ऐसी रेवड़ियां जनता को असली मुद्दों से दूर कर देती हैं? क्या ये चुनावों की संजीदगी कम करने का काम नहीं करती? क्या ऐसी लोक लुभावन घोषणाओं पर रोक लगनी चाहिए? सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। 25 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों में 1-7-3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। कांग्रेस के इस लोक लुभावन वायदे की हर तरफ जमकर आलोचना हो रही है।